आदमी पार्टी बाबूपेट प्रभाग चंद्रपुर की ओर से कैंडल मार्च निकालकर हाथरस पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पण की, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार का तीव्र निषेध दर्शाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटी मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में और पीड़ित बहन को न्याय दिलाने साथ ही दोषी पर कड़ी कार्रवाई कर फांसी की सजा देने की मांग के लिए आम आदमी पार्टी बाबूपेट प्रभाग चंद्रपुर की ओर से राजू कुड़े शहर सचिव इनकी अध्यक्षता में कैंडल मार्च निकालकर मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पण की गई। साथ ही दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही न्यायालयीन कार्रवाई पूर्ण कर फांसी की सजा देने साथ ही सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के विद्यमान न्यायाधीश इनकी देखरेख में की जाए, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी चंद्रपुर महानगर की ओर से संगठन मंत्री इंजीनियर प्रशांत प्रभाकर एरने ने की। अंबेडकर चौक बाईपास बाबूपेट से कैंडल मार्च डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्धकृति पुतला के पास पहुंचकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इस समय शहर संगठन मंत्री प्रशांत एरने, सचिव राजू कुड़े, जोन संयोजक सुखदेव दरुंडे, शहर उपाध्यक्ष सिकंदर सागोरे, शहर सह सचिव अजय डुकरे आदि कार्यकर्ता और जनता की उपस्थिति रही। माध्यमातून हाथरस उत्तर प्रदेश इथे ज्या 19 वर्ष मुलीवर जे अत्याचार झाले आणि तिच्यावर जो पाशवी बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली, त्याचा निषेध, त्याचा श्रद्धांजली कार्यक्रम आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा निषेध करण्यासाठी आम आदमी पार्टी चंद्रपूर महानगरच्या पॉपेट वार्ड इथे आम्ही हा श्रद्धांजली कार्यक्रम इथे घेतला। ती जरी योगी आदित्यनाथ सरकारने नेमली आहे, पण आम्हाला म्हणायचं की बाबा जे सुप्रीम कोर्टाचे शूटिंग जज जे आहे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ती सीबीआई इन्क्वायरी झाली पाहिजे, जेणेकरून केंद्राचा जो हस्तक्षेप आहे मोदी सरकारचा तो कुठेतरी होणार नाही आणि निष्पक्षपणे त्याची इन्क्वायरी होऊन त्या मुलीवर, त्या मुलीला न्याय मिळेल आणि त्या परिवाराला, त्या कुटुंबाला न्याय मिळेल अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे की